बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ताहिदी 12 मैन। मैं हूं ताहिर खान और मैं इस वक्त फंसा हुआ हूं एक ऐसी जगह पे ट्रैफिक के अंदर। आपको पता है कराची का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जब से 6 बजे का आया है कि सारे बिजनेसेस शॉप्स 6 बजे के बाद बंद हो जाएगी, 8 बजे के बाद रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, कोई भी गैर मुतल्लिका अफराद गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाए। तो लेकिन जो काम करने वाले हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो हम चैनल्स पे जाके अदर तजिया निगार बैठ के काम करते हैं, तो वो भी तो काम करना ज़रूरी है, क्योंकि उन चीज़ों से भी आपका घर चलता है। बहरहाल एक अपडेट के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ और बिल आखिर जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हुआ। लाहौर और कराची से 2 चार्टर्ड फ्लाइट्स बिल आखिर अपने टाइम के मुताबिक आज वो टेक ऑफ कर गई हैं। और लाहौर से जो इत्तला आई है कि वहाँ से जो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको वीज़ा इशू नहीं हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंचाइज के हैं, जलमी के हैं, कुछ इस्लामाबाद के हैं, कुछ मुल्तान सुल्तान के हैं, इसी तरह से कराची किंग्स का वहाँ पर एक प्लेयर है वो है। यहाँ से जो कराची से जो फ़्लाइट टेक ऑफ की है उसमें जो पता लगा है कि जी के क्वेटा ग्लाइडर के कप्तान सरफराज अहमद का उनको वीज़ा इशू नहीं हुआ है। साथ साथ यहाँ पर हसनैन भी हैं क्वेटा ग्लाइडर के। तो क्वेटा ग्लाइडर की टीम का अगर देखा जाए तो बड़ा काफ़ी मुश्किलात से गुजर रही हैं। बहुत ही वो पहले 2 प्लेयर्स नहीं आए, फिर उनका फिर अब ये वीज़ा इशू हुआ है। तो ये देखना है, क्योंकि जो क्वारंटीन है वो 10 दिन का कहा गया है, क्योंकि अगर यहाँ का क्वारंटीन आपका वो डेज़, क्योंकि आज अगर वो ट्रैवल नहीं कर पाए अपनी टीम के साथ चार्टर्ड फ्लाइट में, क्योंकि जो भी रिमेनिंग जो प्लेयर्स हैं या स्टाफ है या क्रू है, जो भी है जो यहाँ कराची में या लाहौर में रह गया है, वो फिर अलग चार्टर्ड प्लेन से के ज़रिए जाएगा। वो किस दिन जाएगा, क्या होगा, वो फिर बाद में तफसीलात आपसे शेयर की जाएगी। लेकिन अभी से इंतज़ार है कि उनका वीज़ा आए, उनको वीज़ा लगे, उसके बाद उनकी चार्टर्ड फ्लाइट की जाएगी, फिर वो वहाँ जाएंगे। कि अगर उस दौरान देखना है कि जो चार्टर्ड फ्लाइट के दौरान जो इनके डेज़ यहाँ क्वारंटीन हो रहे हैं, क्या वो डेज़ वहाँ पर वो ऐड ऑन होंगे नहीं होंगे। अगर ऐड ऑन होंगे तो फिर तो शायद मेरे ख्याल में कोई इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ 2 या 3 दिन ही हैं क्वारंटीन के बाद के जो प्रैक्टिस का सेशंस करने को टीमों को ज़्यादा दी जाएगी, जो अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में वो करेंगे और जो उनके जो प्रैक्टिस एरियाज़ हैं वो उसको यूटिलाइज़ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर। साथ साथ एक चीज़ और बताऊँगे, अबू धाबी के अंदर जो आपकी पूरी जो बायोसिक्योर बबल की जो टीम हायर की गई है, वहाँ पर 3 डिफरेंट होटल्स में टीमों को रखा गया है, कि 2-2 टीमों के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है, कि अगर इनकेस कोई अगर कोई प्रॉब्लम आती किसी होटल के अंदर किसी टीम को, तो वो 2 ही टीम के प्लेयर्स अफेक्ट हों, ना कि 4 टीमों के अफेक्ट होंगे। एक्चुअली 4 टीमों के प्लेयर जो होंगे तो वो तो अपनी क्रिकेट खेल रहे होंगे, बाकी अगर कोई अफेक्ट होता है तो उसको फिर उसी फ्लोर पर डिफरेंट उसमें वो क्वारंटीन कर दिया जाएगा, और फिर वहाँ उसका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने के बाद फिर जो फर्दर सिचुएशन जो प्रोसीजर है उसको फुलफिल किया जाएगा। तो बहरहाल ये एक गुड न्यूज़ थी, मैंने आपसे शेयर की। मैं इस वक्त फंसा हुआ हूँ लियारी एक्सप्रेस वे पे, और कब यहाँ से मैं एटलीस्ट टूल तक जाऊँगा और वहाँ से फिर अपने घर की तरफ जाऊँगा, तो वो तो फिर वक्त ही बताया गया। आई होप कि आप लोग भी अगर जहाँ भी हैं, जहाँ भी सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा तहम्मुल रखें, जल्दबाजी से गुरेज करें, क्योंकि जल्दबाजी आपको नुकसान पहुँचाती है। तो जिन्होंने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो वीडियोस के ज़रिए आती रहेंगी, और इसको आप लोग इन्जॉय करते रहिएगा। और आई होप कि इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग का 6 एडिशन जो रिमेनिंग मैचेस जो अबू धाबी में खेले जाएंगे, आई होप कि वो अपने उन डेट्स पे कंप्लीट हो और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले।